जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी के आशीर्वाद से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राडर। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे बेड, और ये बेड हैं कटरा के त्रिकुटा भवन के, यानी मैं इस समय कटरा के त्रिकुटा भवन में मौजूद हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको अपने दर्शन की एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मेरे दर्शन कैसे हुए, इसके साथ साथ इस समय की क्या लेटेस्ट अपडेट है माता रानी की यात्रा से जुड़ी। और इसके अलावा बहुत सारे भक्तों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, मैसेज भी लोग हमें कर रहे हैं कि हम वेबसाइट से बुकिंग नहीं कर पा रहे, तो क्या कारण है, सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरू करते हैं दर्शन के एक्सपीरियंस की। देखिए, हमने माता रानी के दर्शन 22/2/2022 को किए हैं और उस डेट में दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, बहुत ही खुले दर्शन हुए हैं। दर्शन अगर आपको करना है तो आप यही कोशिश करिए कि दर्शन आप आफ्टरनून में करें, यानी आप समय रखें 11 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक। इस डेट में अगर इस टाइम में आप दर्शन करेंगे तो आपके दर्शन बहुत अच्छे होंगे। उस टाइम भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सुबह के टाइम करते हैं तो आरती का थोड़ा सा भीड़ होता है, शाम के टाइम भी आरती होती है इसलिए उस समय भी भीड़ होता है। इसलिए कोशिश करें कि आफ्टरनून में दर्शन करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात करें अगर यात्रा पर्ची की, तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि कटरा में यात्रा पर्ची पूरी तरीके से मिल रही है। काउंटर नंबर 2 भी खुला हुआ है और काउंटर नंबर 1 भी खुला हुआ है। भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करें तो आप ऑनलाइन भी कराकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। दर्शन में आप जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ आपकी यात्रा पर्ची चेक होती है, उस तरीके से अब चेकिंग हो रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि जगह जगह पर स्ट्रिक्टली यात्रा पर्ची को चेक किया जा रहा है। यात्रा गेट के पास तो मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक हुआ है, तो आप अपने साथ अगर वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिए हैं तो दोनों डोज की सर्टिफिकेट लेकर आइए। इसके अलावा अगर आपको वैक्सीन की सिंगल डोज लगी है या फिर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप अपने साथ अपना कोविड का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी लेकर आ सकते हैं, जो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये तो थी कोविड गाइडलाइन। इसके साथ साथ मास्क का प्रयोग आपको पूरी यात्रा में करना है, क्योंकि ये कंपल्सरी है और आपको हैंड सैनिटाइज करते हुए ही यात्रा करनी है। हालांकि मास्क अगर आप यूज़ नहीं करते हैं और कहीं पर भी कोई भी ऑफिसर शाइन बोर्ड का या फिर पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं तो वो आपका चालान कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल है कि यात्रा के दौरान आपको मास्क का प्रयोग करना ही करना है। और जब आप माता रानी के पवित्र पिंडियों के दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मास्क लगाकर ही दर्शन करने हैं। इस बात का खास ख्याल रखें, अगर आप बिना मास्क के जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा और आपका चालान भी कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब सबसे बड़ी बात करते हैं अपडेट की। देखिए, मैं आपको एकदम अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं प्रेजेंटली कटरा में हूँ और इवन जो दर्शन करके लोग आ रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि क्या अपडेट है भवन की। तो भवन में ना रोपवे बंद है, कोई भी सुविधा बंद नहीं है, सिर्फ हेलीकॉप्टर सुविधा बंद की गई थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर सुविधा पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। कटरा में लगातार बारिश हो रहा था, आज भी बारिश ही बारिश चल रहा था। और अगर हम बात करें कि जो माता रानी की यात्रा है वो यात्रा सुचारू रूप से चल रही, यात्रा नहीं बंद है, और भवन पर रोपवे भी नहीं बंद है। रोपवे तभी बंद होता है जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, भारी बर्फबारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, रोपवे चल रहा है। बैटरी कार की सुविधाएँ हेमकोटी मार्ग बंद होने के कारण बंद थी, लेकिन अभी हेमकोटी मार्ग खुल चुका है और हेमकोटी मार्ग का कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है। जैसे जैसे लैंडस्लाइड होता है या बर्फबारी होती है या फिर हाई मैं कह सकता हूँ कि मौसम ख़राब होता है, ज़्यादा बारिश होने लगती है, तब जाकर लैंडस्लाइड होने के कारण हेमकोटी मार्ग को बंद कर दिया जाता है। और जो पुराना वाला रास्ता, यानी जिसे हम हाथी मत्था मार्ग वाया भवन कहते हैं, वो रास्ता चालू है। आप हाथी मत्थे रास्ते से होते हुए सांझी छत पहुँचेंगे और फिर भवन पहुँचेंगे, वो रास्ता पूरी तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है। और अगर हम बात करें भक्तों की संख्या की, तो इस समय भक्तों की संख्या में भी कोई ज़्यादा कमी नहीं है, भक्तों की संख्या धीरे धीरे ही सही बढ़ रही है और दर्शन भी भक्तों को बहुत ही प्यारे तरीके से हो पा रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल माता रानी पर धैर्यता बनाकर भरोसा रखकर माता रानी के दर्शन के लिए आना है। अब सबसे बड़ी जानकारी की बात करें, जो आप सबके मन में काफ़ी डाउट आ रहा होगा और आप सब काफ़ी मैसेज भी मुझे कर रहे हैं, सोचिए मैं माता रानी के दरबार हूँ लेकिन आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
आप घबराइए नहीं, वेबसाइट पर अपग्रेडेशन मतलब अपडेट का काम चल रहा है, वेबसाइट को अपग्रेड किया जा रहा है, इस वजह से जो है वहाँ पर यात्रा पर्ची या कोई बुकिंग हो नहीं रहा है। तो आप ट्राई कर ले मोबाइल एप्लीकेशन, अगर मोबाइल एप्लीकेशन से भी बुकिंग नहीं होता तो आप यहाँ पर आकर भी ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अभी श्राइन बोर्ड में पूरी तरीके से वेबसाइट को रीअपडेट किया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा वर्क किया जा रहा है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, श्राइन बोर्ड के अथॉरिटी का ये कहना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो मार्च के स्टार्टिंग तक ख़त्म हो जाएगा, यानी फैब ऐप के लास्ट तक ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। मार्च के स्टार्टिंग से आप आराम से यात्रा पर्ची या फिर जो भी बुकिंग है वो कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको बेटर वे में माता रानी के दरबार जाना है तो आप घबराइए नहीं, ठीक है। आप सब घबरा जाते हैं और लोग भी क्या क्या मैं बताऊं घबरा घबरा के चीज़ें बताते हैं। रोपवे नहीं बंद है, रोपवे चल रहा है, सुविधाएं बिल्कुल पूरी तरीके से चल रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बारिश के कारण या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिस कारण से जो है कहता हूँ कि मौसम परिवर्तन हो जाता है, तब जाकर इतनी ज़्यादा जो है वो रोपवे को बंद किया जाता है। इसके अलावा आप एकदम से टेंशन फ्री होकर यात्रा करिए। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, मैं फिर से यही कहूँगा, ऑनलाइन ट्राई करिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कटरा में तो यात्रा पर्ची काउंटर खुला हुआ है, आप कटरा से यात्रा पर्ची करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है। और अपने साथ रेनकोट लेकर आइएगा, अम्ब्रेला लेके आइए, साथ ही साथ टॉर्च भी ज़रूर लेके आइए, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या हो रहा था कि काफ़ी कल भारी मैं कह सकता हूँ कि हवाएं चल रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं थी, तूफानी हवाएं मैं कह सकता हूँ, और बारिश थी जिस कारण से लाइट भी जो है कट गया था और काफ़ी ट्रैक पर हमें लाइट का जो है वो सामना करना पड़ा था। लाइट नहीं थी तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन को ही टॉर्च बनाना पड़ा, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बेफिक्र होकर माता रानी की यात्रा पर आइए। देखिए, एक बात अपने दिल में बैठा लीजिएगा, अगर आप माता रानी के दरबार सच्चे दिल से आ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिसके दरबार आ रहे हैं और अपने सच्चे दिल से आ रहे हैं वो आपके लिए बैठी है, वो आपको याद करी, वो आपको बुलावा भेजी है, आपको अपने दरबार बुलाने के लिए किसी न किसी माध्यम से बुलावा भेजकर आपको अपने दरबार बुला रही है। फिर घबरा क्यों रहे हैं, बस भरोसा रखिए और आराम से यात्रा करिए। ऐसे ही टाइम टू टाइम जो भी नई नई अपडेट आएंगी हम इसी तरह से शेयर करेंगे। फिलहाल माता रानी के दरबार से ये कुछ नई जानकारी थी जो हमें लगा कि आप सबसे साझा करना चाहिए, और आप सब बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ घबराइए नहीं, सिर्फ ट्रेन राइडर पर भरोसा रखिएगा, कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, ये एसर्ट रहिएगा, अपडेट जेन्युइन हो, सही हो। देखा आपने कि कल मैंने दो वीडियो अपलोड की थी और आपको बताया था कि किस तरीके से माता रानी के दरबार का कंडीशन है, यहाँ पर वेदर अपडेट क्या है, और मैंने लगभग एक वीडियो में तो आपको शॉर्ट यात्रा भी करा दिया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अच्छे से माता रानी के दरबार आइए, दर्शन करिए और माता रानी से प्रार्थना करिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी मौसम विभाग के अनुसार 26 फेब तक यानी 26 फरवरी तक आपको इसी तरह का मौसम जो है वो कटरा के साथ साथ माता रानी की यात्रा में देखने को मिल सकता है। तो अपने साथ मेजर सेफ्टी लेकर आइएगा, बच्चों का खास ख्याल रखिएगा, इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है, माता रानी के दरबार आप आते रहिए। और मैंने आप सबके लिए अपना सिल्वर प्ले बटन का अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर ज़रूर देखिएगा। वो सिल्वर प्ले बटन मेरा ही नहीं, आप सबका है, क्योंकि आप सबका ये परिवार 1 लाख का पूरा हुआ माता रानी के अनुकम कृपा से, और आप सबके सहयोग से सिल्वर प्ले बटन भी हमारे पास आ गया, तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी होगी। इसके लिए आप सबका भी दिल से धन्यवाद, आपने बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन का विशेष शेयर किया है, वेरी वेरी थैंक यू सो मच आप सबको कि आप सब ने अपना जो विशेष है हम तक शेयर किया। ऐसे ही ट्रेन राइडर पर भरोसा बनाए रखिएगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके थ्रू थोड़ी सी वीडियो शेयर हो जाए तो ज़रूर उन भक्तों तक पहुंचाइएगा जो माता रानी के दरबार आगामी दिनों में आने वाले हैं, जिससे उनकी यात्रा सफल रहे और माता रानी की कृपा से माँ भगवती के प्यारे दर्शन भी उन्हें मिले। तो फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आ रही है श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र पावन डिजिटल यात्रा, देखिएगा पूरा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको डिजिटल यात्रा कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी।